इन्होंने जब बात वहां से आएगी तो यहां से भी जज्बात आएंगे। दूसरी बात इन्होंने कही कि वहां नारे लग गए, एक नारा लग गया, अरे आपके इमरान खान साहब इंसाफ हाउस आई तो वहां लोग गुत्तम गुत्ता हो गए लड़ रहे। वो किस बात पे लड़ रहे थे? वहां कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अगर किसी ने कोई एक नारा लगा लिया तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। इंसान को अगर लाखों के मजमे में एक आध कोई नारा, दो चार नारे लग जाए तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और ये बात है कि हम इंशाल्लाह ताला इनके जो भी सोच है, जो ये क्या सराहियां कर रहे हैं कि जी ऐसे इलेक्शन हो जाए, वैसे इलेक्शन हो जाए, इन्होंने तो नेशनल इलेक्शन को भी आज चार साल होने वाले हैं नहीं माना, मगर इनको आज कुर्सी दे दो, प्राइम मिनिस्टर की ऑफर कर दो, ये कहेंगे सब इलेक्शन फेयर थे। तो ये मैं ना मानू वाली बात है। ये जब वक्त आएगा और ये साबित हो जाएगा कि अहलियाने कराची किसके साथ हैं, और ये सिर्फ महाजरों की बात नहीं है, आज एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ। मैं खुद एबटाबाद से बिलोंग करता हूं, हजारा से मेरा ताल्लुक है, मैं महाजर नहीं हूं, मगर आज दीगर कौमियतों के लोग भी एमक्यूएम पाकिस्तान में फारूक सत्तार भाई और उसके साथ जितनी राबता कमेटी है उनके साथ स्टैंड लेके खड़े। और हाफिज साहब हुए, अली जैदी हुए, थोड़ा सा शाहीन भी कहेंगी कि नहीं अब कोई ताल्लुक लंदन से नहीं है। देखें बिल्कुल हमारा कोई ताल्लुक लंदन से नहीं, बिल्कुल नहीं।